डियर स्टूडेंट्स पिछली बार पिछले वीडियो में मैंने कौशी रीमान इक्वेशंस बताई थी आज हम कौशी रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म करने जा रहे हैं पहले मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म बताई थी यानी एक्स और फाइव में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौशी रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड दिस इज इक, विच इज इक्वल टू तो यू एक्स वाई प्लस आओटा वी एक्स वाई किसी डोमेन डी में एनालिटिक है तो कौशिमान इक्वेशन क्या होती है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल बाई इक्वेशन नंबर वन एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल एक्स इक्वेशन नंबर टू ये तो आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए क्योंकि हम इसको हर जगह यूज़ करेंगे हम ये भी जानते हैं पोलर फॉर्म के लिए कि एक्स इज इक्वल टू आरकोस्थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स अब क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं पोलर फॉर्म में तो पहले हम कुछ डिफरेंशिएशन कर लें तो क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन आर कैसे हम जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो टू आर डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स तो डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा तो अपने पास क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन आर दैट इज कॉस ऑफ थीटा सेकेंड डेल आर बाय डेल वाई इज इक्वल टू सिमिलरली जैसे मैंने पहला बताया तो वाई अपॉन आर वाई है आर साइन थीटा तो वाई अपॉन आर हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर यानी कि साइन थीटा तो डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन थीटा नाउ डेल थीटा बाय डेल एक्स तो थीटा इज इक्वल टू कितना है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स तो डेल थीटा बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जिसको सिम्प्लीफाई करें <coughs> तो माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा अपॉन आर तो डेल थीटा बाय डेल एक्स हो गया मेरे पास माइनस के साइन थीटा अपॉन आर अब अपन ने क्वेश्चन एक, एक और लिया डेल थीटा बाय डेल वाई तो विद रिस्पेक्ट टू वाई किया थीटा इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स सिंप्लीफाई करें तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज आर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो कॉस्थीटा अपॉन आर इन चारों इक्वेश को मैंने इक्वेशन नंबर ए से डिनोट कर दिया है अब टोटल डिफरेंशिएशन से यू बाय डेल एक्स कितना होगा डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल्यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में यू को कर रहे हैं क्योंकि यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड यू इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा एंड आर एंड थीटा आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई तो हमारे पास कितना हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल आर एज इट इज और डेल आर बाय डेल एक्स जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था जो कि इक्वेशन नंबर ए में है कॉस थीटा फिर डेल यू बाय डेल थीटा तो एज इट इज डायरेक्टली यू इज़ नॉट फंक्शन ऑफ डायरेक्टली थीटा नहीं है तो डेल थीटा बाय डेल एक्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था माइनस का साइन थीटा पौना फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए ये जो यू बाय डेल एक्स हमने कैलकुलेट किया इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर बी अब हम निकाल रहे हैं डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल्यू बाई डेल थीटा इन डेल थीटा बाई डेल वाई तो डेल आर तो एज इट इज और डेल आर बाय डेल वाई को हमने इक्वेशन नंबर ए से साइन थीटा रखा इक्वेशन नंबर ए से ही डेल थीटा बाय डेल वाई की वैल्यू रखी कॉस थीटा अपॉन आर और डेल यू बाय डेल वाई जो कैलकुलेट किया इसको दिया इक्वेशन नंबर सी सिमिलरली डेल बी बाय डेल एक्स डेल बी बाय डेल वाई भी हम निकालेंगे और डेल बी बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा डेल बी बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल एक्स हम उनमें जो हमने ए इक्वेशन में वैल्यूज निकाल रखी उनको सब्सटीट्यूट किया तो कॉस थीटा इंटू डेल वी बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा इसको इक्वेशन नंबर डी दिया और जैसे सी इक्वेशन कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी तरीके से हमने डेल वी बाय डेल वाई निकाला इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डेल वी बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा इक्वेशन नंबर ई अब मेरे पास में e ए बी सी डी ई इक्वेशन हमने निकाल ली हैं अब हमने क्या किया इक्वेशन नंबर एक कौन सी थी हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई हमने क्या किया इक्वेशन नंबर एक को यूज़ करते हुए किस में यूज़ किया बी और इक्वेशन नंबर डी में तो देखिए कितना हो जाएगा अब देखिए बी इक्वेशन क्या थी हमारे पास में डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल यू बाई डेल तो आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा ठीक है तो हमने क्या किया है इक्वेशन नंबर एक को यूज़ करते हुए हमने लिया है इक्वेशन नंबर बी और डी तो कॉस थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर और साथ में इक्वेशन नंबर एक क्या थी डेल्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू तो जो अपनी इक्वेशन थी डेल्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई तो जो हमने डेल्यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई निकाल रखे थे उन दोनों को बराबर कर दिया बराबर किया तो हमारे पास क्या आया कॉस थीटा इन टू डेल्यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल्यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डेल वी बाय डेल आर माइन प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा ये जो बी और डी इक्वेशन थी उन दोनों को बराबर कर दिया इसको नाम दे दिया एफ अब, यू, अब सेकेंड तो को यूज करते हुए हमने सी और डी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या थी सेकेंड थी डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स अब देखिए डेल यू बाय डेल वाई ये इक्वेशन नंबर है सी और डेल वी बाय डेल वाई है हमारे पास इक्वेशन नंबर ये सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स है हमारे पास इक्वेशन नंबर डी तो सेकंड को यूज़ किया और अपन ने क्या लिखा इसको हमने सी और डी में वैल्यू रख दी सी और डी से वैल्यू रख दी तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इन टू डेल्यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल्यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डेल वी बाय डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा इसको दे दियान नंबर जी अब एफ और जी में हमने पहले एफ को मल्टीप्लाई किया कॉस् थीटा से और जी को मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा से मल्टीप्लाइंग एफ बाय कॉस थीटा एंड जी बाय साइन थीटा और ऐड कर दिया ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा <coughs> पहली इक्वेशन जो एफ थी उसमें कॉस स्क्वायर थीटा डेल यू बाय डेल आर और एफ जो जी इक्वेशन उसमें साइन स्क्वायर थीटा डेल्यू बाय डेल आर ऐड करते ही डेल्यू बाय डेल आर सेकेंड टर्म कट जाएगी इसी तरीके से राइट एंड साइड से हमारे पास आ जाएगा वन अपऑन आर डेल बी बाय डेल थीटा इसे हमने एच इक्वेशन इसको डिनोट कर रहे हैं हम एच से नेक्स्ट हमने क्या किया मल्टीप्लाइंग एफ बाय साइन थीटा एंड जी बाय कॉस थीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन आर डेल्यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल आर और डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल बी बाय डेल आर दिस इज इक्वेशन नंबर सॉरी दिस इज डिनोटेड बाय आई तो इक्वेशन नंबर एच और आई आर नोन एज कौशी दिमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म एच और आई पोलर फॉर्म में कौशी दीमान इक्वेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी <coughs> तो पहले हमने कार्टीशन फॉर्म में निकाली थी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई तो डेल वी बाय डेल वाई एंड जो इक्वेशन नंबर मैंने आपको जो यहाँ पे वन और टू दी हैं और वो तो थी कार्टीशियन फॉर्म में यानी डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इक्वेशन नंबर टू कार्टिशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में हो गई डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा एंड डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाय डेल आर अब देखिए हम करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म में किसी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना यानी हमें एनालाइटिक फंक्शन दिया हुआ है और पोलर फॉर्म में हम उस फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मान लीजिए हमारे को दे रखा है w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इक्वेशन नंबर वन किसी डोमेन d में एनालाइटिक है क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है फंक्शन का तो हम जानते हैं कि एफ डैश जेड तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाय डेल एक्स अब जो हमने पिछली इक्वेशन नंबर ए थी उसके अकॉर्डिंग डेल आर बाय डेल एक्स रख दिया थी कॉस थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर और डेल थीटा बाय डेल एक्स जो था वो जब पिछली बार इक्वेशन नंबर ए जो रखी थी उसमें माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा डब्ल्यू को रख दिया यू प्लस आयोटा बी नाउ कॉस थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल थीटा अब हम यूज करेंगे कौशी दिमान इक्वेशन कौशीदीमान इक्वेशन से एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डे माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल यू बाई डेल थीटा इज माइनस आर डेल वी बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल थीटा इज आर इनटू डेल यू बाई डेल आर एच और अपन ने इक्वेशन नंबर ली थी आई उन दोनों का यूज किया और मैंने इक्वेशन रख दी है इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू ठीक है अब देखिए यानी मैंने लिखा है यहाँ कौशी रिमान इक्वेशन से हमने इसको सब वैल्यूज रख दी अब कौश थीटा इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल आर यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन लिया और साइन थीटा बाहर रख दिया आर से आर कैंसिल हो गया जो साइन थीटा अपॉन आर था अंदर आर पूरा कैंसिल हो गया आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और साइन थीटा को मैंने एक्सट्रीम यानी बाहर ही है ब्रैकेट के तो डेल यू अपॉन डेल आर बिकॉज आयोटा कॉमन है आर कैंसिल हो चुका है ये नेगेटिव साइन था इसलिए आयोटा डेल बी बाय डेल आर तो थीटा डेल अप डेल डब्ल्यू अपॉन आर माइनस आयोटा साइन थीटा के और हम इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल आर ऑफ यू प्लस आयोटा वी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इन टू डेल डब्ल्यू बाय डेल आर और इसको लिख सकते हैं ई टू दावर माइनस आयोटा थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर तो एफ डे शेड यानी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स जो था वो हमारे पास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर तो ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर यदि हमें एफ जेड का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में ज्ञात करना हो तो देखिए एफ डैश जेड अपन ने जो अभी भी निकाला था डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल आर डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा डेल थीटा बाय डेल एक्स अब हम क्या कर रहे हैं पहले हमने सेकेंड टर्म में यू प्लस आयोटा भी किया था अब की बार हम फर्स्ट टर्म में ही यानी इंट आर में ही हम क्या कर रहे हैं कॉस थीटा डेल बाय डेल आर ऑफ यू प्लस आयोटा भी और डेल थीटा बाय डेल एक्स की वही वैल्यू माइनस साइन थीटा पर ना डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा यानी अब कई बार हमने थीटा तो एज इट इज रहने दिया डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा इसको खोल दिया फर्स्ट टर्म को तो कॉस तो थीटा डेल्यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा अब कॉस तो थीटा और यहाँ यूज की कौशी दिमान इक्वेशन तो वन अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा माइनस आयोटा अपऑन आर डेल्यू बाय डेल थीटा प्लस फिर ये माइनस का साइन थीटा अपऑन आर डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा तो अब इसमें से हमने क्या किया वन अपॉन आर भी कॉमन ले लिया आयोटा भी ले लिया कॉस थीटा ऑलरेडी था तो माइनस आयोटा कॉस थीटा अपॉन आर फर्स्ट टर्म रह जाएगी जो हमारे पास में थी क्योंकि माइनस आयोटा अपॉन आर लिया तो डेल्यू बाय डेल थीटा और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन और ये ऑलरेडी प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा डेल वी बाय डेल थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर, आर कॉस थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ यू प्लस आयोटा वी माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा यू प्लस आयोटा वी इज मल्टीप्लाई इसको लिख दिया डब्ल्यू और माइनस के आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आर पूरा कॉमन और डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा इज एप्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा अब पहले जो हमने किया था इन टर्म्स ऑफ आर था तो हमने जो एनालिटिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पोलर फॉर्म में निकाल लिया है नेक्स्ट है हमारा लेप्लास इक्वेशन लेप्लास फंक्शन सॉरी लेप्लास फंक्शन क्या होता है यदि हमारे पास में एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फंक्शन है तो एफ जो है वो लेप्लास फंक्शन कहलाता है यदि डी एल टू एफ बायल एक्स स्क्वायर प्लस डी एल टू एफ बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाए इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन दिया और फंक्शन तो कहलाता है लेपलास फंक्शन और ये इक्वेशन नंबर वन जो है ये कहलाती है लेप्लास इक्वेशन नेक्स्ट है हार्मोनिक फंक्शन प्रसंवादी फलन मान लीजिए हमारे पास में कोई एफ एक्स वाई एक्स और वाई का कोई फंक्शन है और एक्स तथा वाई के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हम फंक्शन एफ के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है यानी हमारा एफ एक्स वाई एक्स वाई का कोई फंक्शन और एफ के फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कंटिन्यूस है और यदि एफ लेपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं एफ एक हार्मोनिक फंक्शन है या प्रसंवादी फलन है इसकी थ्योरम्स इस पर बेस्ड थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे